अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जीएस का लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करूँगी, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ह्यूमन बॉडी की स्टार्टिंग फेज पढ़ी थी, जिसमें था सेल। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा ऑर्गन सिस्टम। और इस तरह एक पूरे ह्यूमन बॉडी जो है ये बन जाती है। कल हमने ऑर्गन्स तक पढ़ा था। ऑर्गन्स क्या है? स्पेसिफिक टिश्यूज मिलते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। इनमें आ जाता है हार्ट, लीवर, किडनी। आज हमने इसके अलावा हमारी बॉडी में भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आपने थर्ड क्लास में पढ़ा था सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे इर्द गिर्द होने वाले काम के बारे में हमें एहसास पैदा करते हैं, या फिर हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हम सेंस ऑर्गन्स में हमारी आइज आ जाती हैं, नोज, उसके बाद हमारी स्किन आ जाती है, टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं, और जो हमारा लास्ट है, फिफ्थ वन है, वो है ईयर, जिसकी वजह से हम लोग हमारे इर्द गिर्द होने वाली आवाज़ जो पैदा होती है उसको हम सुन सकते हैं। तो ऑर्गन्स क्या हैं? हार्ट, लीवर, किडनी। और सेंस ऑर्गन क्या हैं? जो हमारे इर्द गिर्द होने वाली तब्दीली के बारे में हमें बताते हैं। आइज हैं, इनके ज़रिए हम देखते हैं। नोज है, इसके ज़रिए हम सूंघते हैं कि वो जो हम स्मेल कर रहे हैं वो प्लेजेंट है, यानी हमें अच्छी फील हो रही है या नहीं। स्किन है, वो जब कोई चीज़ हमें टच करती है तो वो स्किन हमें बताती है। टंग, हम जो कुछ खाते पीते हैं, जो टेस्ट करते हैं, वो टंग जो है हमें टेस्ट बताती है, चाहे वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। ईयर, हमारी आवाज़ जो पैदा होती है इर्द गिर्द की आवाज़, वो हमें सुनने में हेल्प करती है। अब हम स्टूडेंट्स ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा है कि हर लेवल जो है वो मिलके दूसरा लेवल बनाते हैं। जैसे सेल्स मिले, टिश्यू बना दिए, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जो है वो हमारा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बाद हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ये आप एज अ एग्जाम्पल इसको यूज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये डिफरेंट तरह के सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये सिस्टम बनते कैसे हैं? हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स हैं जो मिलते हैं और पूरा का पूरा एक सिस्टम बना देते हैं? अगर हम एग्जांपल लें कि ये सिस्टम कैसे बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इसमें हमारा माउथ शामिल है, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आप इस चीज को नोट करें कि देखें ये सारे ऑर्गन्स हैं, माउथ भी ऑर्गन, स्टमक भी है, लीवर भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखिए, डिफरेंट ऑर्गन्स मिले, वो मिलके एक सिस्टम हमारी बॉडी में बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, हमारी बॉडी में है हार्ट, ब्लड है, आर्टरीज हैं,
और वेन्स हैं, ये चारों चीज़ें मिलके हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको बनाती हैं। स्टूडेंट देखें ज़रा गौर से दोबारा, इसको एक बार रीड करें। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ये ग्रुप है डिफरेंट ऑर्गन्स का। अब हमारी बॉडी में सिस्टम पाए जाते हैं, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं और सब मिलके अपना अपना एक स्पेसिफिक सिस्टम बना देते हैं। जैसे आप एग्जांपल लें सर्कुलेटरी सिस्टम की, उसमें हार्ट है, ब्लड है, आर्टरीज है, वेन्स है, इन चारों को कलेक्ट करके एक सिस्टम को नाम दे दिया गया है जिसको हम कहते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके बाद आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो उसमें माउथ है, स्टमक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इन सब नेम्स को कलेक्ट करके एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है जिसको हम कहते हैं कि ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है हमारा। हम अगर आप बुनियाद देखें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो वो पहले सेल है। सेल डिफरेंट मिलेंगे, टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू इकट्ठे होके एक ग्रुप के साथ ऑर्गन बना देते हैं और ऑर्गन ग्रुप बना के हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो फिर पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जानदार बन जाता है, जैसे हमारी बॉडी है। उसके बाद हम एक सिस्टम है हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम। हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमारी बॉडी की एक बाकायदा शेप है। तो कभी आपने ऑब्जर्व किया हो हमारे बॉडी में हड्डियों का एक ढांचा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये स्केलेटन है। अब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम है क्या? आपने पहले पढ़ा है ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं। तो ये स्केलेटन सिस्टम उस वक्त बनता है जब आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो हड्डियों का एक ढांचा है जिसके साथ मिलके बनी है। ऑल बोन्स टुगेदर कैदर फॉर्म आ स्केलेटन। यानी स्केलेटन क्या है? हमारी बॉडी में हड्डियों का ढांचा है, एक फ्रेम है बना हुआ जो हमें खड़ा होने में, हमें बैठने में, हमारी बॉडी को शेप देने में और हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं हार्ट, लिवर, किडनी, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन। ये क्या है स्केलेटल सिस्टम? फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स। अब ये जो स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, अब सबसे फर्स्ट और उसका मेन फंक्शन जो है ये क्या करता है? गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू बॉडी, यानी ये बॉडी को ताकत देता है एंड सपोर्ट करता है। यानी हमें खड़ा होने में, बैठने में, हमारी शेप जो है उसको रखने में हेल्प करता है। फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, यानी आपकी बॉडी को बकायदा एक शेप दे दी जाती है। क्योंकि बोन्स नहीं होती तो किसी भी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। जब बोन्स होंगी तो वो एक अपनी स्पेसिफिक शेप में रहेंगी। आपको पता है बोन्स हार्ड होती हैं तो वो स्टैंड रेक्ट रहने में हमें हेल्प करती है। अब इसका थर्ड वन है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब ये इसका जो है थर्ड वन फंक्शन क्या है? हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उनको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो अगर उनमें स्केलेटन नहीं होगा तो उनके डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, हड्डियों का जो फ्रेम होता है हमारी बॉडी में वो उनको साइड से कवर कर लेता है,
जब वो कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है ये सेफ हो जाते हैं, यानी वो डैमेज नहीं हो पाते। उसके बाद क्या करता है, ये हमें मूव करने में हेल्प करता है, मूव द बॉडी। रिपीट कर रही हूँ, इसके स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन क्या है, कि ये क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। उसके बाद ये फ्रेम देता है शेप को, यानी एक बकायदा शक्ल दे देता है। इसके बाद इसका थर्ड फंक्शन है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, यानी हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को हिफाजत देने में हेल्प करता है। इसके बाद ये हमारी बॉडी को मूव करने में भी हेल्प करता है। स्टूडेंट, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये स्केलेटल सिस्टम जो है ये बनता कैसे है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसका फंक्शन पढ़ा, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है। हर एक चीज़ जो है वो स्पेसिफिक मटेरियल के साथ मिलके बनती है, तो इस तरह हम ये पढ़ेंगे कि इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल जो है वो चाहिए। स्केलेटन सिस्टम इज मेड ऑफ, यानी ये किन चीज़ों के साथ मिलके बना है। हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट्स, यानी हमारा पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम जो है ये बोन्स के साथ और ज्वाइंट्स के साथ, हड्डियों और जोड़ों के साथ मिलके बना है। जैसे आप अपनी नी देखते हैं, अपनी एल्बो देखे, तो बोन, दो बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक जोड़ के साथ। उस जोड़ को हम कहते हैं कि ये ज्वाइंट है। इसके बाद अगर हम ज्वाइंट को डिफाइन करेंगे, द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स बोन्स आर ज्वाइंट टूगेदर विद टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, यानी कि ये जो ज्वाइंट है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं और उनके लिए एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कि ये लिगामेंट है। लिगामेंट जो है ये हेल्प करता है ज्वाइंट्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने में और उनको अपनी जगह से हिलने से रोकता है। और उसके बाद अगर आप एग्जांपल लें कि हमारी बॉडी में ज्वाइंट्स की, तो वो एग्जाम्पल हो सकती है एल्बो, नी। आप मूव करके देखें अपने बाजू को, आप देखते हैं कि दो बोन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं हमारे एल्बो पॉइंट्स पे, जो बाजू को मूव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप अपने हिप की ले, शोल्डर्स की ले, तो वो ऑल डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ, कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।